अब कितना चाहिए घर मिला? टोटल चीज मिल रहा है, क्या नहीं किसान को मिल रहा है, गरीब को क्या नहीं मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है, कौन खाने बिना मर रहा है, कहता है कि मांग कहाँ महंगाई है, सबको 5 किलो अनाज मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है। राहुल गांधी का पागला आदमी, उसको क्या बोलना है क्या? अरे पागल आदमी क्या बोला, कोई गारंटी उसका है? कभी क्या बोलता, अभी घोषणा पत्र में क्या लिखा था कि आपकी संपत्ति रकम मैं मुसलमानों को दूंगा? मोदी जी बोले 400 पार, तो 400 पार से बेसी भी जा सकता है और क्या, इसलिए मोदी जी बहुत काम किया है। राजद क्या नौकरी करेगा, इतने नहीं था बेरोजगारी, आज बेरोजगारी हुआ है, 10 साल में बेरोजगारी हो गया, इसके पहले कौन नौकरी किया था? हम भी तो 84 में मैट्रिक पास किए थे और सब तो पास किया है, कहीं सबको नौकरी मिल गया। मोदी की गारंटी पर विश्वास है, मोदी की बात, मोदी की काम उसी का गारंटी है। काराकाट से हम लोग नरेंद्र मोदी का यहाँ पर झंडा लहरा कर छोड़ेंगे। किधर काराकाट की जनता किसके तरफ? मोदी के तरफ, मोदी के तरफ पूरा विश्वास है, मोदी पूरा 100% विश्वास महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित है। अब कितना चाहिए सुरक्षित? घर मिला, टोटल चीज मिल रहा है, क्या नहीं किसान को मिल रहा है, गरीब को क्या नहीं मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है, कौन खाने बिना मर रहा है, कहता है कि मांग कहाँ महंगाई है, सबको 5 किलो अनाज मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, स्मार्ट कार्ड मिल गया, सबका फ्री दवा हो रहा है। अब क्या चाहिए मोदी के राज्य में? गरीब अमीर सब बराबर है, यहाँ पर कोई नहीं है। आवाज़ उठाता है कि गैस सिलेंडर 1000 पार हो गया, नौकरी नहीं मिल रहा है, किसानों को इज्जत नहीं मिल रही है, तमाम तरह की चीज़ें, किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार बोलते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत की दुकान जो है मोदी खोल रहे हैं, क्या जवाब दीजिएगा राहुल गांधी को? राहुल गांधी का पागला आदमी, उसका क्या बोलना है क्या? अरे पागल आदमी क्या बोला, कोई गारंटी उसका है? कभी क्या बोलता, अभी क्या घोषणा पत्र में क्या लिखा था कि आपकी संपत्ति लगा मैं मुसलमानों को दूंगा? फंस गया कि नहीं पता, उसी का आदमी ने बताया कि मुसलमानों को दूंगा, तो ये तो घोषणा पत्र उसका है कांग्रेस का। राजद क्या नौकरी करेगा, इतने नहीं था बेरोजगारी, आज बेरोजगारी हुआ है, 10 साल में बेरोजगारी हो गया, इसके पहले कौन नौकरी किया था? हम भी तो 84 में मैट्रिक पास किए थे और सब तो पास किया है, कहीं सबको नौकरी मिल गया। बेरोजगारी बहाना, राजनीति करने का बहाना है, सबके अपने पर रोटी सेक रहा है, किसी तरह वोट लेना है, जनता को मूर्ख बनाना है। जो मोदी किया कोई नहीं कर सकता है, आज विश्व स्तर पर देखा जाए तो मोदी कहाँ इंडिया को लेगा ये देखना है, सबको पार देखता है यार, नीचे से ऊपर तक देखो तब ज्ञान खुलेगा। चलिए बताइए क्या लग रहा है, मोदी मय है या कि पवन मय है? मोदी मोदी या पवन के दिया ही, लेकिन मोदी में बनी जा, देव जो पवन के, हाँ ये पवन के देव जो उनके के ना देव जो उपेंद्र कुशवाहा के, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दीजिए ना। तो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग पवन पवन कह रहे हैं जाके वोट जो है कमल को दबा देंगे, उपेंद्र कुशवाहा को दबा देंगे। दोनों तरफ कह रहे हैं कि मोदी, यहाँ बताइए बताइए क्या 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 बताइए उपेंद्र कुशवाहा की पवन में है? देखिए मोदी जी बोले 400 पार, तो 400 पार से बेसी भी जा सकता है और क्या, इसलिए मोदी जी बहुत काम किया है, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, लग रहा है 400 नहीं, हम सब वो नहीं, हम देखते, हम मोदी जी जो काम किया है ना, वो जो नहीं देखा है वो भोगेगा जिंदगी भर, जो नहीं वोट देगा वो भोगेगा। हम तो 40-50 वर्ष उम्र हो गया, लेकिन जो मोदी जी काम किया है ना, वो कोई नहीं काम किया, कोई किसी से नहीं होगा, जो मोहर मार के दे दे है, मोहर मार के वो खैला भी ना मर जाएगा वो, हाँ। 3-4 साल अनाज भी दे रहे फ्री में, हाँ। और जो लड़का कमाना चाहता है बाहर में वो भी घर बैठ के खा रहा है। तेजस्वी यादव क्या कहेगा, बड़ा आरोप लगाते हैं मोदी पर, घोषणा पत्र में बड़ा बड़ा चीज लिखे हैं, वो परिवारवाद है ना, परिवारवाद वो अपने बारे में सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। जो मान लेगी आप दूसरा अथी है, वो अपने बारे में सोचेगा, दूसरों को नहीं लड़ाएगा। मोदी की गारंटी पर विश्वास है, मोदी की बात, मोदी की काम उसी का गारंटी है। काराकाट से हम लोग नरेंद्र मोदी का यहाँ पर झंडा लहरा कर छोड़ेंगे। काराकाट से उपेंद्र मय है जो है, काराकाट उपेंद्र मय नहीं, मोदी मय है, हाँ उपेंद्र मय नहीं। प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ी सबक है कि लोग जो है प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर मुखिया को देख रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर जो है हम लोग वोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी से सभी प्रत्याशियों को सीख भी लेनी चाहिए कि आपके नाम पर यहाँ पर वोट नहीं मिल रहा है, मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है। और लगातार यह आवाज़ जो है उठता आया है कि लगातार भाजपा पर आरोप भी लगता है कि मोदी के कारण ही जो है प्रत्याशी जीत जाते हैं और फिर अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, यहाँ पर आकर देखते भी नहीं है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। जी काराकाट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के झंडा हम लोग का लहरेगा,
और यहाँ के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग जीत हासिल करेंगे काराकाट से। देखिए पवन सिंह को लेकर भी काफी चर्चा तो है ही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी जो है कड़ी टक्कर देंगे, और पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा और एक तरफ राजाराम सिंह तो है ही, तो कहीं ना कहीं काराकाट सीट को लेकर आपकी क्या राय अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।